हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं अपने गांव के दूसरा फार्म है, आपको दिखाएंगे। इसमें अभी बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे निकल गए हैं और अभी इसमें बच्चे डालना है। आपको इसमें बताएंगे कि कितना खर्चा और कितने बच्चे पड़ते हैं। हमारे गांव का दूसरा फार्म है तो आपको एक खाली फार्म दिखा रहे हैं। अभी बच्चा इसमें आने वाला है, आपको बता देते हैं। कैमरा मैन थोड़ा इधर दिखाइए। ये हमारे गाँव का दूसरा फार्म है, आप देख सकते हैं। और आपको फार्म खोलने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इसमें कितना खर्चा और कितना बड़ा फार्म होना चाहिए और कितना काम है और कितना पैसा लगता है और कितना खर्चा आता है, ये सब आपको आज हम बताएंगे। आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, ये है मुर्गी का दाना। इसमें मुर्गी का दाना देते हैं, ये आपको कंपनी से खरीदना पड़ता है। कंपनी केवल आपको बच्चे देती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देगी। भूसी आपको खरीदना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं पूरा लोखंड का पाइप और ये पतरा, ये सब आपको डलवाना पड़ता है। कंपनी केवल आपको बच्चा देती है। फिर उसके बाद ये सब लाइट का, लाइट क्या होता है, अपने 24 घंटा चाहिए उसके लिए। अपने को इन्वर्टर का भी व्यवस्था करना पड़ता है, या तो सोलर पैनल लगाइए आप, उसका भी व्यवस्था करना पड़ता है। खर्चा इसमें लगभग, आपको अगर मुर्गी फार्म खोलना है तो लमसम खर्चा इसमें आपको कोई बिजनेस करने से पहले आपको 10 से 12 लाख रुपए रखना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं, इसके बगल में एक और भाई ने फार्म डाला है, कल के आपको उसको दिखाते हैं। हमारे कैमरा मैन थोड़ा आइए उधर दिखाते हैं। ये भाई आगे दूसरा फार्म, एक इसके बाजू में फार्म है और एक ये दूसरा भाई ने दो फार्म डाल के रखे हैं। भाई कैमरा मैन दिखा दो, एक उधर भी फार्म है, मतलब की कमाई इनकी अच्छी है। इसके लिए भाई ने पहले एक फार्म डाला था, फिर उसके 6 महीने बाद भाई ने दूसरा मतलब फार्म डाल दिया। अभी बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, खाली देसी बच्चे हैं और 10-12 देसी मुर्गियाँ हैं और बाकी इनका पूरा फार्म है। भाई आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग वीडियो डालेंगे, आपको मुर्गी फार्म के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, एक से लेकर जेड तक बताएंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।